पिछले वीडियो में हमने 25 शक्तिपीठों के बारे में जाना, अब हम शेष बचे शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरिसिद्ध शक्तिपीठ जहां माता सती की कोहनी गिरी थी, यहां माता के मंगल चंडिका रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहां भैरव मांगल्य कपिलांबर अवतार विराजमान है। मणिदेविक शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। मणिदेविक शक्तिपीठ जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ माता सती की कलाइयाँ गिरी थीं। यहाँ माता के गायत्री रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव सर्वानंद अवतार विराजमान है। प्रयाग शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता सती की हाथ की अंगुलियाँ गिरी थीं, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। यहाँ माता के ललिता रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव भव अवतार विराजमान है। उत्कल शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ उड़ीसा के पुरी और याजपुर में है, जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ माता के विमला रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम अवतार विराजमान है। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। माता का कांची शक्तिपीठ जहाँ माता सती का कंकाल शरीर गिरा था, यहाँ माता के देवगर्भा रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव रूरू अवतार विराजमान है। काल माधव शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के अमरकंटक में काल माधव स्थान पर स्थित सोन नदी के पास एक गुफा में है। यहाँ माता सती का वाम नितम गिरा था। यहाँ माता के काली रूप की पूजा होती है और शिव जी का भैरव असितांग अवतार विराजमान है। शूण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर शूण शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का दक्षिण नितम गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शूण तटस्था शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का दायां नेत्र गिरा था, ऐसा माना जाता है। यहाँ माता के नर्मदा या शूणाक्षी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव भद्रसेन अवतार विराजमान है। कामाख्या शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता सती की योनि गिरी थी, यहाँ माता के कामाख्या रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव उमानंद अवतार विराजमान है। जयंती शक्तिपीठ जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता सती की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ माता के जयंती रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव क्रमदीश्वर अवतार विराजमान है। मगध शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ बिहार की राजधानी पटना में है, जहाँ माता सती की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ माता के सर्वानंदकारी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव व्योमकेश अवतार विराजमान है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तीस्ता नदी पर स्थित है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ जहाँ माता सती का वामपाद गिरा था, यहाँ माता के भ्रामरी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव ईश्वर अवतार विराजमान है। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राधकिशोर ग्राम में स्थित है। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ जहाँ माता सती का दक्षिण पाद गिरा था, यहाँ माता के त्रिपुर सुंदरी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव त्रिपुरेश अवतार विराजमान है। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदिनापुर में ताम्रलुक ग्राम में स्थित है। विभाषा शक्तिपीठ जहाँ माता सती का वाम टखना गिरा था, यहाँ माता के कपालिनी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव सर्वानंद अवतार विराजमान है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट द्वैपायन सरोवर के पास स्थित है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ माता सती के दाहिने चरण गिरे थे।
यहाँ माता के सावित्री रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव स्थाणु अवतार विराजमान है। युगाद्या शक्तिपीठ शीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के शीरग्राम में स्थित है। युगाद्या शक्तिपीठ यहाँ माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता के जुगाड़िया रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव शीर खंडक अवतार विराजमान है। विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर के वैराट ग्राम में स्थित है। विराट शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियाँ गिरी थीं, यहाँ माता के अंबिका रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव अमृत अवतार विराजमान है। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ चार अन्य अंगुलियाँ गिरी थीं। यहाँ माता के कालिका रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव नकुलेश अवतार विराजमान है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। मानस शक्तिपीठ जहाँ माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी, यहाँ माता के द्राक्षायणी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव अमर अवतार विराजमान है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में जाफना से 35 किलोमीटर दूर नल्लूर में स्थित है। लंका शक्तिपीठ जहाँ माता सती के नूपुर यानी पायल गिरे थे, यहाँ माता के इंद्राक्षी रूप की पूजा होती है और शिव जी का यहाँ भैरव राक्षेश्वर अवतार विराजमान है। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ जहाँ माता सती का दक्षिण कपोल गिरा था, यहाँ माता के गंडकी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव चक्रपाणि अवतार विराजमान है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ जहाँ माता सती के दोनों घुटने गिरे थे, यहाँ माता के महामाया रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव कपाल अवतार विराजमान है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। माता हिंगलाज शक्तिपीठ जहाँ माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा था, यहाँ माता के कोटरी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव भीमलोचन अवतार विराजमान है। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है। उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ जहाँ माता सती की नासिका गिरी थी, यहाँ माता के सुनंदा मतांतर में सुगंधा रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ वामन भैरव अवतार विराजमान है। करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। करतोया घाट शक्तिपीठ जहाँ माता सती की वाम तल यानी कनपटी गिरी थी, यहाँ माता के अपर्णा रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ वामन भैरव अवतार विराजमान है। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। चट्टल का भवानी शक्तिपीठ जहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी, यहाँ माता के भवानी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव चंद्रशेखर अवतार विराजमान है। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है। माता का योगेश्वरी शक्तिपीठ जहाँ माता सती की बाई हथेली गिरी थी, यहाँ माता के यशोरेश्वरी रूप की पूजा होती है। शिव जी का यहाँ भैरव चंद्र अवतार विराजमान है। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, इससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।